हेलो गाइस, और आज का ये जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक मेरे साथ जो घटना हुई, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस चीज़ के बारे में गो थ्रू करने वाला हूँ आप लोग से कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँ कि ना मैं इतने दिन तक यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, इसके लिए सॉरी। और मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, मेरे फ़ोन के वीडियोज़ नहीं दिख रहे थे, अपने आप कहाँ डिलीट हो जा रहे थे, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और अभी मैं फ्री हुआ तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ये भी मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, दूसरे के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इसमें कैमरा क्लियरिटी हो रही अच्छी, इसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और मैं सारी बात बताने के बाद आपको आगे एक्सीडेंट का वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद जो होगा हम आपके दाग रखेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहूँ कि मैं एक जगह एक्सप्लोर करने गया था सुबह 6:30 बजे, घर से निकला, ना एक्टिवा मेरी थी ना मेरे दोस्त की थी, हम दो दोस्त थे, अब दोस्त का नाम नहीं बता सकता, और दोस्त की गाड़ी थी, तो हम दोनों गए और वो जगह एक्सप्लोर करके 7 तक समथिंग आ रहे थे। तो 7 ही बजे हमारी गाड़ी ऐसा 3 हाथ ना करके एक जगह है, वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, उसके पहले 50 से 20-30 मीटर पहले ब्रेकर है, और ब्रेकर इतना ऊंचा था, और मेरी गाड़ी थी 50-60 के स्पीड में, और उसकी वजह से और गाड़ी बंदा चला रहा था वो, और गाड़ी ऐसा पूरी कूदी, कूद के नीचे गिरी, और यहाँ से लेके 30 मीटर तक समथिंग घसवाते हुए हम लोग गए। वो लड़के का पूरा इतना फट गया, उसका ये पूरा छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, और मेरे पैर में देखो ये छोटा है, इधर पे छोटा है मेरे पैर में, मेरे हाथ में छोटा है यहाँ पे, और यहाँ पे और मेरे को ऐसे यहाँ पे बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन है, बैक साइड में मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा लग गया है, और इसके वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आए। 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था 9 तारीख को सुबह 6:30-7:30 तक, और इसके वजह से मेरा ये साइड पूरा बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, आप लोग क्या बताऊँ। तो ये मुश्किल से मैं शूट कर रहा हूँ, और मैं थैंक यू कर रहा हूँ अपने कैमरा मैन का जो मेरा शूट कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग भी ड्राइव कर रहे हो कार या बाइक कुछ भी कर रहे हो तो प्लीज़ स्लो करना, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हो चुकी है ना उसको मैं समझ सकता हूँ। मैं 2 दिन तक क्लास प्रॉपर नहीं आया था, क्योंकि मेरा बिकॉज ऑफ ये सब पूरा दुख रहा है और अभी भी दुख रहा है, और इसकी वजह से मैं क्लास नहीं आया था, क्लास भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैंने मेडिसिन वगैरह लेके सब प्रॉपर किया है, और अभी जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ। तो मैं आप लोग को गो थ्रू करने के लिए आया हूँ कि मेरे यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे और मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब आपको मेरी एक्सीडेंट वाली बात पता चल चुकी है, बस अब मेरे यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑफ मेरे फ़ोन के अंदर कुछ तो इश्यूज़ आ गए थे, मेरे फ़ोन का जस्ट अभी फिलहाल 2-3 महीने पहले ही 1 साल हुए फ़ोन को मेरे, और उसमें स्टोरेज का कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, तो पर्सनल स्टोरेज नहीं है, 4GB 128 तो प्रॉपर है, जो गूगल फोटोज में पता है आपको, अगर आप एक फोटो खींचोगे तो सब फोटोज़ में चल जाते हैं, गूगल फोटोज़ में आप यहाँ से डिलीट करो तो गूगल फोटो में रहते हैं, तो वो सीन था। और उसके वजह से और डिलीट कर रहा था मैं, तो डिलीट हो रहा था पर वहाँ से स्पेस क्लियर नहीं हो रहा था, मैं जैसे वीडियो रिकॉर्ड करता सब डिलीट में सिचुएशन, मेरा दिमाग प्रेशर में आ गया था मैं करूँ क्या। फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया जा भाई वीवो के सेंटर में, 1 दिन दे पूरा तेरा फोन सही हो जाएगा, बोला ठीक है। मैं गया वीवो शोरूम में, मेरा फ़ोन दिया, उस शोरूम ने 120 रुपीज़ समथिंग चार्ज किया मुझसे, और मेरा फ़ोन पूरा प्रॉपर सही करके दे दिया। आप लोगों को बता दूँ मेरे अभी आपको क्या था, मेरी हालत ऐसी हो गई ना, ये इतना दुख रहा है ना, इतना कसम से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये हाथ से स्टोव टोक से लेके यहाँ तक इतना दुख रहा है ना मेरा, ये पूरा अंदर से, और ये मेरे बैक साइड में माइनर क्रैक है, मैंने एक्सरे के लिए बोला, एक्सरे करवाया, यहाँ माइनर क्रैक है, एक्सरे की रिपोर्ट्स भी दिखा दूँ आगे शायद मैं, क्योंकि एक्सरे में बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें भी है, तो इस वजह से मैं एक्सरे नहीं दिखा सकता। और जो भी मेरे एक्सीडेंट्स के वीडियो है वो आप लोग अभी आगे देख लेना। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी गाड़ी या बाइक या कुछ भी ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ बहुत स्लोली ड्राइव करना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ना अगर आप लोग कुछ भी अगर मतलब मैं बता रहा हूँ, ब्रेकर ने मेरी इतनी बड़ी हालत कर ली है, और लड़के का तो मेरा फेस फट गया है। अब आप आगे देखोगे ना ब्लॉग में तो आपको लगेगा कि मुझको तो बहुत कम लगा है, उसको सबसे ज़्यादा लगा है, उसको बाहर सबसे ज़्यादा लगा है, और मुझे अंदर मतलब माइनर अंदर मुक्का मार बोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लगा है, और मेरी हालत कैसी हुई अभी मैं जान रहा हूँ, और मैं ये वीडियो बहुत 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 मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अपने कैमरामैन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिसका फोन है उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और मेरे साथ जो जो टीम है उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को पहले एक्सीडेंट वाली वीडियो दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ये देखो एक्सीडेंट वाली वीडियो।
आप लोग ने मेरी एक्सीडेंट वाली वीडियो देखी, तो इतने से एक ब्रेकर, मतलब वो ब्रेकर ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, इतना समथिंग था और पूरा डाम्बर से बना हुआ था। और मैं गवर्नमेंट से प्लीज़ एक रिक्वायर कर दूँगा, जैसे अगर आप रोड बनाते हो, पता है मुझे रोड गर्म होती है, उसके ठंडे का आप उसको हाईलाइट कर दोगे ना ब्रेकर को, तो बहुत लोगों की जान बचेगी। मैंने गूगल पे भी सर्च किया, ऑन मतलब 1 मंथ में 1 लाख+ लोगों की जान जा चुकी है, वो भी ब्रेकर की वजह से। बहुत मतलब बहुत रिस्क ब्रेकर ये, मतलब कितने लोग तो देखते नहीं जंप हो जाते हैं, और कितने लोग देख के भी मतलब उनको मतलब क्या बताओ मन में क्या चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो मैं अगर आपको, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ ब्रेकर को हाईलाइट करो, और मैं आज हूँ अच्छे से तो आप लोग की दुआ है। और मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पे इतना दिन से एक्टिव नहीं है, तो मैं 540 550 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, तो मैं उनसे इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मैं इतने दिन से एक्टिव क्यों नहीं हूँ, क्या है मेरे लोग स्टोरीज आ रहे भाई कल से ब्लॉग आएंगे, परसों से आएंगे, कल से आएंगे, परसों से आएंगे, मेरा डेली वही इशू हो रहा है, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मैं फटाफट एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो भी मस्त अच्छे से, पर मेरा ये जितना भी है मतलब ये पार्ट ना पूरा वन साइड ना बहुत दुख रहा है। मैं मेडिसिन वगैरह भी सब प्रॉपर ले रहा हूँ, टाइम टू टाइम ले रहा हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया 1 ईयर्स में, और आने वाले 1 साल में हम समथिंग कुछ नहीं तो नहीं 2K 3K सब्सक्राइबर्स से तो पहुंच ही जाएंगे आने वाले साल में। अगर आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार है तो हम कहीं नहीं, आपके साथ है और आप हमारे साथ हो, इसके वजह से आज आप हो तब हम हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, और एक चैनल को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। मेरे इतना पेन होने के बाद भी मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ और एक दूसरे के फ़ोन से, तो मुझे बहुत वो हो रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग या वीडियो जो भी है, मतलब अब तो कल से, हाँ आप लोग को एक बात और बतानी थी कि कल से मेरी वीडियो रेगुलर, ये वीडियो आने के बाद जो भी मेरी वीडियोस आएंगी सब प्रॉपर रेगुलर होगी, और आप लोग ने मेरी स्टोरीज देखी होगी ग्रीन कलर के ड्रेस में, और नेक्स्ट बैकग्राउंड अलग बैकग्राउंड में, और वो बैकग्राउंड में मैंने शूट करके रख लिया रात को, तो देख रहा हूँ तो वीडियो पूरी लैग हो रही है, लैग मतलब पूरी वीडियो ख़त्म। अगर एक बार वीडियो लैग हुई तो वीडियो ख़त्म, भगवान करे ये वीडियो लैग ना हो। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा, एक सब्सक्राइबर से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं आपको भी पता है। तो चलो आज का ब्लॉग या वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं।